Assalamu alaikum, dear students. Today we will start our lecture number 9 of nuclear chemistry. In today's lecture, you will study about Wilson cloud chamber as well as the photographic method, and you will also study the carbon dating, that how you will determine the age of rocks, ores, earth, and other dead bodies. Which are old, round about 200 million years ago. So you can determine their age. So let's start our topic. Before discussing the detail of Wilson cloud chamber, first we will see the basic principle as well as the basic criteria that how cloud chamber will work. First of all, the any liquid which is placed into a chamber and allowed to reach an equilibrium state of evaporation and condensation, that stage is known as the saturation. Yani is aaj ke topic mein bachcho aap logon ko yahi hawale se bataya jayega ki jo Wilson cloud chamber hota hai, iske andar hum ek container mein ek liquid le lete hain aur liquid ke sath aam taur pe jo hum liquid use karte hain water vapor ke sath, that is your methanol. Theek hai, तो इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा बोर्ड पर जो है साथ साथ ये डिटेल बताती चलती हूँ ताकि आपको ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो. तो इसके अंदर बच्चों ये होगा कि हमारे पास दो तरह की चीज़ें होती हैं, दैट इज़ वन इज़ वाटर एज वेल एज दी एनी अल्कोहल. ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो अल्कोहल होती है ये क्या करती है, ये एक वोलाटाइल लिक्विड है. ठीक है, तो एनी लिक्विड विच इज़ वोलाटाइल इन नेचर, उसके अंदर आगे क्या कैपेसिटी होती है कि वो आसानी के साथ क्या बना सकती है, वेपर्स फॉर्म कर सकती है. ठीक है, तो ये आसानी से वाटर के ड्रॉपलेट के साथ मिलेगी और उसके बाद ये क्या कर देगी, जिस भी ये कंटेनर के अंदर होंगे ये उस जगह पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेपर्स जो है वो क्रिएट कर देगी. इट मीन उस पॉइंट को फिर हम क्या नेम देंगे, सेचुरेशन का नेम दे देंगे. कि जब भी ये आपस में मिलेंगे दोनों के दोनों, तो चूंकि आप जानते हैं कि अल्कोहल क्या होती है, वोलाटाइल इन नेचर होती है, तो वोलाटाइल होने की वजह से ये क्या करेंगी, अपने वेपर्स को फॉर्म करेंगी. और जैसे ही इसके वेपर्स फॉर्म हो जाएंगे तो उस कंटेनर में या उस क्लाउड में क्या चीज़ पहुँचेगी, सेचुरेशन पॉइंट होगा. ठीक है, एक तो ये चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है बच्चों. और दूसरी चीज़ जो हम इस हवाले से आगे से फर्दर देखते हैं इसी टॉपिक के अंदर, कि जब भी आप किसी लिक्विड को लेते हैं तो एक तो वेपोरेशन होती है, यानी कोई भी चीज़ जब वेपर्स बनाती है तो उसके बाद वो उसकी एक वापस जो है वो वेपर्स वापस आते हैं और कंडेंस बैक होते हैं और लिक्विड की शेप जो है वो इख्तियार कर लेते हैं. तो अगर आप चैम्बर को एडियाबेटिकली, अब बच्चों आप लोगों ने ये पॉइंट फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जब भी गैसेस को एनक्लोज किया जाता है और उसके बाद सडन एक्सपेंशन ऑफ कूलिंग, सडन एक्सपेंशन जो है वो एडियाबेटिकली परफॉर्म करवाया जाता है, तो वहाँ पे कूलिंग क्रिएट होती है. ये पॉइंट आप लोग पहले पढ़ चुके हैं. एडियाबेटिक एक्सपेंशन के हवाले से बच्चों आपको थोड़ी सी डिटेल जो है वो अभी हम देखेंगे कि एडियाबेटिक एक्सपेंशन के अंदर बेसिकली बच्चों आपका प्रेशर कांस्टेंट रहता है. ठीक है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन में क्या होता है, प्रेशर आपका कांस्टेंट रहता है बट टेम्परेचर आपका डिक्रीज हो जाता है. और जब आप सडन एक्सपेंशन करते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से वहां पर क्या क्रिएट होती है, कूलिंग क्रिएट होती है. ठीक है, तो चैम्बर जो है वो एडियाबेटिकली कूल्ड या एक्सपेंड होता है, जिसके नतीजे में जो एयर होती है उस जगह की वो क्या हो जाती है, सुपर सैचुरेट, यानी वहां पर अच्छी खासी जो है वो ठंडक प्रोड्यूस हो जाती है. उसके बाद थर्ड पॉइंट है इसका कि जो आयनाइजिंग रेडिएशन है वो चैम्बर में से पास होंगी और पास होने के बाद जो भी नियर बाय एटम या मॉलिक्यूल्स होंगे उनको क्या कर देंगी, आयनाइज कर देंगी. और आयनाइज करने के बाद जो भी स्पीशी वहाँ डेवलप होगी, तो जो अल्कोहल और वाटर दोनों चीज़ों के वेपर्स होंगे वो दोनों के दोनों, इन याद रखिएगा ये जो वेपर्स होते हैं ये कभी भी स्टेबल नहीं होते, ये अनस्टेबल रहते हैं सुपर सैचुरेटेड स्टेट में. तो इनको कोई चीज़ चाहिए जिसके साथ जाके ये एडहेयर हो जाए, तो एडहेयर होने के लिए उनको ये आयनाइज स्पीशी जो है वो मिलती है. और इसके साथ साथ क्या होगा, जैसे ही ये उन पॉजिटिव स्पीशी के साथ जाके एडहेयर हो जाते हैं, यानी ये मैं आपको ये बात बच्चों मैं आपको समझाती हूँ बोर्ड पर ही, कि हम क्या बात कर रहे हैं कि जब भी हमारे पास कोई इस तरह की स्पीशी होती है कि जब आपके पास कोई आयनाइजिंग रेडिएशन आई और आयनाइजिंग रेडिएशन ने आने के बाद क्या किया कि इनके अंदर से इलेक्ट्रॉनों को नॉकआउट कर दिया. ठीक है, कि इलेक्ट्रॉनों को जब निकाला तो उसके बाद ये चीज़ आपकी किस में कन्वर्ट होगी,
ये चीज आपकी कन्वर्ट हुई बच्चों आइन के अंदर, और जब इसका आइन जो है वो क्रिएट हुआ तो हम ये कह सकते हैं, एक मिनट मैं ये ड्रॉ कर लूँ, तो ये फर्ज करें कि ये आपके पास कोई भी पॉजिटिव आइन जो है वो डिवेलप हो गया है। तो अब इस पॉजिटिव आइन यानी ये कब बना, जब रेडिएशन एक न्यूट्रल एटम में से पास हुई उसकी आयनाइजेशन की, ये जो न्यूक्लियाई पॉजिटिव न्यूक्लियाई जनरेट होंगे इनके इर्द गिर्द, अब क्या होगा कि ये जो वेपर्स होंगे वो वेपर्स आके जो है वो इसके साथ आके एडहेयर हो जाएंगे, चाहे वो वाटर के वेपर्स हैं ठीक है, या फिर आपके पास अल्कोहल के वेपर्स हैं, वाटर वेपर्स हो सकते हैं या फिर वो अल्कोहल के वेपर्स होंगे, और ये इसके साथ क्या करेंगे, कंडेंस हो जाएंगे ठीक है। कंडेंस होके ये इसके इर्द गिर्द जो है वो बन जाएंगे। और याद रखिएगा बच्चों, ये जो क्लाउड चैम्बर की जो होता है मेथड, ये एक वाहिद मेथड है जिसके जरिए आप ट्रेस आउट कर सकते हैं कि कौन सी रेज ने किस किस्म के एटम को पास करके वहाँ फोगी ट्रेस फॉर्म किया है। बाकी जो आपने डिगर टेक्निक्स पढ़ी हैं वो सिर्फ काउंट कर सकती हैं, उसके बाद हम एम्पलीफाई कर लेते हैं और डिटेक्टर में उनका रिजल्ट आ जाता है कि वो काउंटिंग शो करती हैं। लेकिन ये जो विल्सन क्लाउड चैम्बर की टेक्निक है, ये विल्सन क्लाउड चैम्बर की टेक्निक हमारे पास क्या करती है, ये जिन एटम या आइंस को आयनाइज करती है ये रेडिएशन, उनके साथ साथ जिस जिस रास्ते पे वो रेडिएशन पास हो रही होती है उस पूरे रास्ते पे जो है वो फोगी ट्रेस जो है वो फॉर्म होना शुरू हो जाता है। और इस फोगी ट्रेस के जरिए हम इस पिक्चर को विजुअलाइज कर सकते हैं। और याद रखिएगा बच्चों, विल्सन क्लाउड चैम्बर इतना जबरदस्त ये टेक्निक थी, 1912 में जो साइंटिस्ट है दैट इज विल्सन, उन्होंने इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। और इन्हीं की टेक्निक की बदौलत जो हमारे पास पार्टिकल है दैट इज पॉजिट्रॉन, उसकी डिस्कवरी के जो है वो विल्सन क्लाउड चैम्बर के थ्रू ही हुई थी। इसके अलावा जो और अदर पार्टिकल्स हैं जो एटम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, लाइक न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो है या दीगर पार्टिकल्स हैं, उनकी डिस्कवरी भी किसके ऊपर डिपेंड करती थी, विल्सन क्लाउड चैम्बर में से एक दफा उनको पास आउट करवा के जो है वो देख लिया जाता है ठीक है। तो अब हम बच्चों वापस देखते हैं अपने डिटेल की जानिब। ये थोड़ी सी समरी थी जिसका आपको बताना मकसद था कि किस तरह से ये जो है वो प्रोसेस गो थ्रू होता है, कि आयनाइजिंग रेडिएशन क्या करती है, वेपर्स जो आयनाइजिंग रेडिएशन है किसी भी स्पीशी को आयनाइज करने के बाद वेपर जो है वो एटम या मॉलिक्यूल के साथ क्या हो जाते हैं, एडहेयर हो जाते हैं ठीक है। तो आप इनने ये भी देखा कि वाटर जो है वो एक पोलर मॉलिक्यूल है और ये अपने साथ बहुत सारे आयंस को क्या कर रहा होता है, अट्रैक्ट कर रहा होता है, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल जो हैं वो इसके साथ क्या हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। तो अल्कोहल के अभी सॉल्वेंट की हमने बात की कि अल्कोहल में ज्यादातर एथेनॉल या मेथनॉल यही मोस्टली यूज करते हैं, और ये दो अल्कोहल की डेंसिटी हमेशा लेस होती है और इसके अंदर एबिलिटी ज्यादा वेपर्स फॉर्म करने की होती है, जिसकी वजह से ये क्लाउड चैम्बर में बड़े अच्छे से वर्क करता है ठीक है। तो इसके अंदर आपको भी हम इसकी डिस्कशन भी जब देखेंगे तो आपको समझ जाएगी कि इसको जो है वो हम मोस्टली बेसिक रिसर्च के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि मयरमेंट या डिटेक्शन रेडिएशंस की जाती हैं, और इसके ज़रिए आप किसी भी इंडिविजुअल एटम के बिहेवियर को भी स्टडी कर सकते हैं, और उसके बाद आप फोटोग्राफ कर सकते हैं एक्चुअल पाथ को। चले अभी आप पूरा प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी। तो यहाँ देखिए बच्चों, सबसे पहली बात जो यहाँ इन्होंने डिस्कस की कि जो भी आपने करना है कि सबसे पहले आपने वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज सेचुरेटेड एट रूम टेम्परेचर, कि जो भी एयर आपने जिस चैम्बर में फिल की है, फर्ज करें कि ये आपके पास एक डायग्राम है विल्सन क्लाउड चैम्बर की, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले वाटर के लिक्विड भी लेते हैं और वाटर के लिक्विड के साथ हम एथेनॉल का भी या अल्कोहल का भी कोई ना कोई सॉल्वेंट ऐसा ले लेते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं उनको हम कूल कर लेते हैं ठीक है। तो कूल करने के बाद फिर क्या होता है, हम वहां पे कौन सी टेक्निक अप्लाई करते हैं बच्चों, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, के जब भी एडियाबेटिक एक्सपेंशन होती है तो उसके नतीजे में टेम्परेचर लो हो जाता है, और टेम्परेचर लो होने से सेचुरेशन की लिमिट डिक्रीज हो जाती है। यानी उसका मतलब क्या है सेचुरेशन की लिमिट डिक्रीज होने का, कि अब वहाँ पे मैक्सिमम टेंडेंसी है वेपर्स बनने की, और वो चैम्बर मैक्सिमम अमाउंट में लो टेम्परेचर के ऊपर जो है वो क्या करेगा, चूंकि सडन एक्सपेंशन हुई है तो वहाँ पे कूलिंग प्रोड्यूस होती है, और कूलिंग प्रोड्यूस होने की वजह से उनके अंदर सेचुरेशन की लिमिट डिक्रीज हो जाती है। यानी अब इस पॉइंट पर क्या होगा कि
एयर के पास मैक्सिमम वाटर के वेपर्स हैं, दैट इज नेसेसरी फॉर सेचुरेशन एट दिस लोअर टेम्परेचर, कि जितना टेम्परेचर कम है तो वो जो एयर है यानी हवा के अंदर आप जानते हैं और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस प्रेजेंट होती हैं, तो उसके अंदर वाटर के वेपर्स के साथ साथ अल्कोहल के भी हैं। अब उनमें मैक्सिमम जो है वो वाटर के वेपर इकट्ठे हो गए हैं, तो अगर आपके उस इन्वायरमेंट के अंदर कोई डस्ट का पार्टिकल है या कोई स्मोक का पार्टिकल है जो एयर में प्रेजेंट है, वो क्या किसके तौर पे ऐड करते हैं, एज अ कंडेंसेशन न्यूक्लियाई। कि ये जो इसका बेसिक प्रिंसिपल है कि अगर आपके एयर में कोई डस्ट पार्टिकल है या कोई भी ऐसा पार्टिकल है स्मोक का जो कि उस एयर में प्रेजेंट है, तो उसका वहाँ पे रोल क्या होगा, एज अ कंडेंसेशन न्यूक्लियाई के तौर पे होगा, और जितने भी वाटर के वेपर्स वहाँ इकट्ठे हो जाएंगे वो उनको सराउंड कर लेंगे, और सराउंड करने के बाद वो सेपरेट हो जाते हैं एज अ फाइन ड्रॉपलेट ऑफ लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ ए क्लाउड और अ मिस्ट। तो अगर आप एडियाबेटिक एक्सपेंशन की बात करें, तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन के हवाले से आपको बताया कि किसी भी क्लोज सिस्टम में आप प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं और वहां पे टेम्परेचर जो है वो सिंपल डिक्रीज होता है। अब विल्सन क्लाउड चैम्बर में हम ये देख रहे थे कि विल्सन क्लाउड चैम्बर में जो आइंस होते हैं ये अपना रोल प्ले करते हैं एज अ न्यूक्लियाई के तौर पे, यही आपको मैंने बताया था इस डायग्राम के अंदर भी, कि जब भी हम विल्सन क्लाउड चैम्बर की बात करते हैं तो चाहे कोई स्मोक का पार्टिकल है या कोई डस्ट का पार्टिकल है या कोई वैसे एटम या आइंस प्रेजेंट हैं, तो रेडिएशन उनको क्या कर देती है, आयनाइज, और आयनाइज करने के बाद ये जो पॉजिटिव न्यूक्लियाई है ये एक साइट प्रोवाइड करते हैं, एक जगह प्रोवाइड करते हैं इन वाटर वेपर को अपने साथ कंडेंस करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यही बात डिस्कस की कि जो भी विल्सन क्लाउड चैम्बर में होता है उसमें जितने भी आइंस फॉर्म होते हैं वो एज अ न्यूक्लियाई रोल प्ले करेंगे और इनके ऊपर सुपर सैचुरेटेड वाटर के वेपर आके स्टिक हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि ये आइंस जो हैं, दीज आइंस आर प्रोड्यूस ड्यू टू द पैसेज ऑफ हाई एनर्जी पार्टिकल लाइक अल्फा और बीटा रेज थ्रू द पार्टी चैम्बर, कि चूंकि चैम्बर में जो है वो आप अभी इसकी डायग्राम देखेंगे तो आपको समझ आएगी। यहाँ देखें कि यहाँ पे इसकी एक साइड पर जहाँ से आयनाइजिंग रेडिएशन पास होंगी जो आपके रेडियो एक्टिव सोर्स से एमिट हो रही होंगी, और वो रेज अल्फा बीटा या फिर गैमा रेज हो सकती हैं, और ये रेज पास होने के बाद उसके बाद ये क्या करेंगी कि ये इस चैम्बर में से पास होंगी और इट लीड टू द आयनाइजेशन ऑफ एयर और गैस कंटेंट देयर इन। अब आप यहाँ देखें इस चैम्बर में आपके पास तीन चीजें प्रेजेंट हैं, वन इज योर गैस यानी जो आपकी एयर वाली गैस है, और आप जानते हैं कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस लाइक हीलियम है, उसके अंदर नियॉन है, आर्गन है, और इसके अलावा नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सारी जो है वो एयर की गैसेस हैं, और इनके साथ आपने यहाँ पे इस चैम्बर में क्या इकट्ठा किया है, एयर के साथ साथ आपने यहाँ पे वाटर के वेपर्स और अल्कोहल के वेपर्स को सुपर सैचुरेट किया हुआ है। उसके बाद यहाँ एक पिस्टन अप्लाई किया हुआ है। अब पिस्टन से क्या होता है कि ये काज करेगा एडियाबेटिक एक्सपेंशन, जिसके नतीजे में आप इस चैम्बर का जो टेम्परेचर है वो लो कर सकते हैं, क्योंकि जब भी सडन एक्सपेंशन होती है तो इससे इस चैम्बर के अंदर टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और ये वो विंडो की साइड है जो शीशे की बनी हुई होती है, यहाँ से आपकी आयनाइजिंग रेडिएशन पास होती है, और ये आयनाइजिंग रेडिएशन पास होने के बाद क्या करती है, आपके इस पूरे के अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल हैं, अभी गैस के मॉलिक्यूल कौन से हैं बच्चों, आपके जो वाटर वेपर्स हैं, सॉरी जो आपकी एयर है उसके उसको क्या कर देती हैं, ये आयनाइज कर देती हैं। ठीक है, तो आयनाइज करने के बाद वहां पे ये साइट प्रोवाइड करते हैं फॉर दी कंडेंसेशन ऑफ दी अल्कोहल वेपर और दी वाटर वेपर। और अगर आप आगे इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो हम कहते हैं कि दो तरह के होते हैं, वन इज एक्सपेंशन टाइप एंड सेकेंड इज दिस डिफ्यूजन टाइप। तो आज की जो टॉपिक में आप डिटेल डिस्कस करेंगे दैट इज योर डिफ्यूजन टाइप। ठीक है, तो ये आपके सामने एक डायग्राम जो है वो डिफ्यूजन टाइप क्लाउड चैम्बर की होती है, और इसकी अगर आप कंस्ट्रक्शन देखें तो आपको नजर आएगा कि इसमें एक एयर टाइट सिलेंडर है, ये जो सी यहाँ पे लिखा हुआ है इट विल रिप्रेजेंट योर एयर टाइट सिलेंडर, जिसके एक एंड को बच्चों हमने क्लोज कर दिया है किसके साथ, शीशे के कवर से। यहाँ पे आपने ग्लास लगाया हुआ है, और बच्चों इस ग्लास के साथ ना एक और अंदर जो है वो हम एक रॉड इंसर्ट करते हैं जिसको आपने अल्कोहल के साथ डिप करके रखा हुआ है, और उस अल्कोहल के अंदर डिप करने की वजह से यहाँ पे अल्कोहल के वेपर्स जो है वो मुसलसल क्रिएट हो रहे होते हैं। ठीक है, और ये एयर का चैम्बर क्या होता है, इसके अंदर हम सैचुरेट करते हैं वेपर्स को फ्रॉम एन एक्सेस अमाउंट ऑफ सम लिक्विड, यूजुअली देयर इज अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। यही बात आपको बता रही थी कि इसके अंदर हमने एक तो एयर को फिल करना है, और एयर को फिल करने के साथ साथ इसमें अल्कोहल और वाटर को भी इकट्ठा कर देना है।
उसके बाद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ दिस मिक्सचर इज कैप्ट इन द ट्रफ इन साइड द चैम्बर। ये जो आपका चैम्बर है इसके अंदर की जानिब क्या होता है, यानी छोटी सी जो एक रॉड होती है उसके अंदर हमने इसके सॉल्वेंट को मिक्स करके रखा हुआ होता है, और इसकी वजह से हमारे पास जो पूरी एयर है वो सेचूरेट हो जाती है। सेचूरेट का मतलब होता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेपर्स ऑफ अल्कोहल्स आर प्रेजेंट हेयर, ठीक है, कि यानी आगे इसके अंदर फर्दर टेंडेंसी नहीं है अल्कोहल या वाटर के वेपर्स को मजीद लेने की। तो ये जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सोल्यूट अगर किसी भी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हो तो वो पॉइंट क्या कहलाता है, सेचूरेटेड, यानी अब इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द अल्कोहल प्रेजेंट है। और उसके बाद बच्चों यहाँ पे जो है, यहाँ जहाँ एल लिखा हुआ है, यहाँ पे हम मरकरी वेपर लैंप रखते हैं, वो क्या पैदा करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है, जिसके जरिए हम इस पूरे जो चैम्बर के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको हम आसानी के साथ देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपके इसके फ्रंट के ऊपर हम कैमरा रखते हैं, और इस कैमरे का नाम होता है बच्चों स्टीरियोस्कोपिक कैमरा, ठीक है। स्टीरियोस्कोपिक कैमरा बिल्कुल इसके ऊपर रखा जाता है ताकि हम जो पूरी कार्रवाई है वो यहाँ से अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेते हैं। अब आगे जो है बच्चों हम इसकी वर्किंग की तरफ आते हैं। वर्किंग की तरफ अगर आप आएँ तो हम ये कहते हैं कि जब भी आप चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं, चैम्बर का वॉल्यूम कैसे इंक्रीज करते हैं, बाय सडनली मूविंग द पिस्टन डाउनवर्ड। अब आप ये जानते हैं कि जब भी आप पिस्टन को नीचे लेके जाते हैं, जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप इसको रिलेट करें एक बलून की एग्जांपल से, एक बलून जो होता है अगर आप उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर देते हैं, तो बाय अप्लाइंग द प्रेशर जितनी भी उसके अंदर गैस होती है वो सारी की सारी एक मखसूस पर्टिकुलर वॉल्यूम में जाकर इकट्ठी हो जाती है। इट मीन उसका वॉल्यूम कम होने से, सॉरी इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करने की वजह से उसका वॉल्यूम जो है वो कम रह जाता है। लेकिन अगर आप किसी तरह से उसको छोड़ते हैं, यानी अगर आपने बलून को छोड़ दिया, आपने उस पर कोई स्ट्रेस या कोई फोर्स अप्लाई नहीं की, अब वहां पर क्या है, उन गैस के मॉलिक्यूल को ज्यादा वॉल्यूम, ज्यादा जगह मिलेगी उस जगह को जो है वो ऑक्यूपाई करने के लिए। इन द सेम वे हम ये कह सकते हैं कि जब आप पिस्टन अप्लाई नहीं करते, पिस्टन से क्या मुराद है कि आप वहां पे कोई प्रेशर जो है वो अप्लाई नहीं करें, लाइक हेयर, कि अगर आप इस पिस्टन को नीचे ले जाते हैं तो अब इस गैस के मॉलिक्यूल के पास या जो वाटर वेपर है इनके पास ज्यादा मैक्सिमम टेंडेंसी है इस पूरे सिलेंडर को घेरने की, जिसकी वजह से हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि जब भी इसके ऊपर आपने क्या करना है कि वॉल्यूम इसका बढ़ा देना है। वॉल्यूम बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेफिनेट सी बात है कि जब आप उसका पिस्टन नीचे करेंगे, जब पिस्टन नीचे करेंगे तो पूरे सिलेंडर के अंदर ज्यादा जगह बचेगी, जिसकी वजह से हम यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसको हम नाम देते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन का। एडियाबैटिक के अंदर जो है वो हीट लॉस नहीं होती, ठीक है। एक्सपेंड का मतलब होता है कि आप एक्सपेंशन यानी फैलाव का प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये एक अप्रूव्ड फिनोमिना है कि जब भी एडियाबेटिक एक्सपेंशन होती है तो हमेशा कूलिंग प्रोड्यूस होती है, और इस कूलिंग की वजह से वेपर्स आपके क्या हो जाते हैं, सुपर सैचुरेटेड, यानी जैसे ही आपका टेम्परेचर कम होता है तो वेपर्स भी क्या हो जाते हैं, सुपर सैचुरेटेड हो जाते हैं। अब याद रखिएगा कि इस सुपर सेचुरेशन की वजह से वेपर्स स्टेबल नहीं रहते, वो अनस्टेबल हो जाते हैं, और अनस्टेबिलिटी को वो खत्म करने के लिए क्या करते हैं, वो कंडेंस होना चाहते हैं, यानी वो वापस। कंडेंसेशन क्या होती है पहले तो आपको ये पता हो, कंडेंसेशन होती है वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्मेशन। जैसे बच्चों अगर आप फ्रीजर से कोई बॉटल निकालते हैं तो वो इतनी ठंडी हालत में होती है कि जैसे ही आप उसको आप अपने रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो जो हवा की नमी होती है वो हवा की नमी के ड्रॉपलेट उसके इर्द गिर्द जमा होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो अब बॉटल क्या है, इंतहाई ठंडी हालत में है, ठीक है, वो इंतहाई कूल्ड स्टेट में है। तो जो हवा के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, वो वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो क्या करेंगे कि जो कूलिंग वाली प्लेस है वहां पे आके कंडेंस बैक होंगे, यानी वो वापस वाटर के ड्रॉपलेट की शक्ल इख्तियार कर लेंगे, क्योंकि वाटर जो आपके एयर में प्रेजेंट है वो इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स है, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं हवा की नमी, ठीक है। हवा की नमी की को जो है वो वापस लिक्विड स्टेट में लेकर आना वो क्या कहलाता है, कंडेंस या कंडेंसेशन। इट मीन अगर आपके चैम्बर के अंदर कोई आइंस प्रेजेंट है तो कंडेंसेशन का फिनोमिना प्रेफरेबली कहाँ पर होगा, उन आइंस पर होगा। इट मीन यहाँ से आपको ये सारी बात समझ आई होगी कि जब भी आपने इस पिस्टन को डाउनवर्ड किया, पिस्टन को डाउनवर्ड करने की वजह से इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, और इसके नतीजे में क्या प्रोड्यूस होती है बच्चों, कूलिंग, और इस कूलिंग की वजह से ये जो अल्कोहल और वाटर के वेपर्स हैं वो इंतहाई ठंडे या सुपर सैचुरेटेड हो जाते हैं, और ये जो सुपर सैचुरेटेड वेपर्स होते हैं ये बच्चों क्या करते हैं कि ये अनस्टेबल होते हैं। अब ये चाहते हैं कि ये अपने आप को किसी जगह पे ले जाएं और वापस जाके कंडेंस हो जाएं, यानी वापस लिक्विड
लिक्विड स्टेट में आ जाएं, तो लिक्विड स्टेट में आने के लिए ये प्रेफर करेंगे कि अगर आपके चैम्बर के अंदर कोई आयंस प्रेजेंट है, और वो आयंस आपको अभी बताया कि वो किस तरह से प्रोड्यूस होंगे, बाय पासिंग दी आयनाइजिंग रेडिएशन ऑन दी गैस मॉलिक्यूल विच इज प्रेजेंट इन साइड योर चैम्बर, दैट इज योर एयर। ठीक है, तो वहां पे जाके ये क्या हो जाएंगे, उसके ऊपर जाके कंडेंस हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा फिनोमिना याद करवाने की कोशिश की है मैंने कि अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री हम कहते हैं कि तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड स्टेट वो होती है जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट हैज बीन डिसॉल्व्ड। अब इस सॉल्यूशन के पास एबिलिटी नहीं है कि ये मजीद सॉल्यूट को डिसॉल्व करे, क्योंकि इसने ऑलरेडी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट अपने पास रख ली है। अनसैचुरेटेड में अभी कैपेसिटी है कि वो मजीद सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकता है, और सुपर सैचुरेटेड वो कंडीशन होती है जहां पे क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं जी के आयनाइजिंग रेडिएशन, आयनाइजिंग पार्टिकल जब भी एंटर होते हैं चैम्बर में, आइदर इमीडिएटली बिफोर, ड्यूरिंग और इमीडिएटली आफ्टर दी एक्सपेंशन, द आयंस लेफ्ट इन इट्स पाथ विल एक्ट एज अ कंडेंसेशन न्यूक्लियाई। यानी आपको क्या बताया कि अगर हम इसको बोर्ड पर ही लेके चलती हूँ आपको, ताकि आपको समझ आए, तो बच्चों हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसा एक चैम्बर है, ठीक है, इस चैम्बर के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट है, और ये गैस जो है वो एयर की फॉर्म में, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में जो है वो हो सकती है। ठीक है, और ये आपके सामने सिर्फ और सिर्फ मैंने समझाने की कोशिश की है आपको कि आपको थोड़ी सी समझ आए कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये आपके गैस के मॉलिक्यूल हैं जो कि एयर है। ठीक है, ये क्या चीज़ है आपकी, एयर है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों एयर के मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, अब इन एयर के मॉलिक्यूल्स के साथ क्या है, कोई भी आयनाइजिंग रेडिएशन आ रही है। अब जो आयनाइजिंग रेडिएशन आ रही हैं उनको जो है वो मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। फर्ज किया कि वो आयनाइजिंग, एक मिनट मैं आपको ये आयनाइजिंग रेडिएशन का कलर चेंज कर दूं ताकि आपको समझ आए। फर्ज किया कि यहाँ पे जो है वो आयनाइजिंग रेडिएशन जो है वो पास आउट हुई, और पास आउट होने के बाद उन्होंने क्या किया कि जो जो एटम इनके रास्ते में आए इनको क्या कर दिया उसने, आयनाइज, और आयनाइज करने के बाद ये इसको किस स्टेज में ले गए, इनकी आयनिक स्टेज के अंदर। तो यही आपको बताया था कि ये जो आयन्स होते हैं ये इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, आयनिक स्टेज के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, और आयनिक स्टेज में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन आयंस पर पॉजिटिव चार्ज की प्रोडक्शन होगी। तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज जो है वो इनके ऊपर आ जाता है, तो अब यहाँ पे आपके पास कौन से आयन अपना रोल प्ले कर रहे हैं, दैट इज योर अल्कोहल। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अल्कोहल के वेपर्स है, अल्कोहल के वेपर्स हैं। ठीक है, और ये अल्कोहल के वेपर्स आके क्या हो जाएंगे, इनके ऊपर जाके कंडेंस हो जाएंगे। ठीक है, अब ये आपको समझ आई होगी बात की कि यहाँ पे आपको बहुत डिटेल से मैंने समझाया कि जब भी एयर या गैस के मॉलिक्यूल इसके अंदर प्रेजेंट हो तो ये जो आयनाइजिंग रेडिएशन होती है वो इनको आयनाइज कर देती है, जिसकी वजह से ये आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे जो है, चूंकि मेरे लिए पूरा पिस्टन बनाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ कि जब एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ कूलिंग होती है, जिसके नतीजे में ये वेपर्स क्या होते हैं, कोशिश करते हैं कि वो अपने आप को कंडेंस कर लें, और कंडेंस करने के लिए उनको कौन से आयंस मिलते हैं, ये जो पॉजिटिव आयन उनके रास्ते में पड़े होते हैं। ठीक है, तो ये इन पॉजिटिव आयन के साथ ये कोशिश करते हैं कि वहां जहां जहां उनके रास्ते में ये जो आयन्स बच चुके होते हैं वहां पे जाके ये न्यूक्लियाई कंडेंस हो जाते हैं, न्यूक्लियाई के साथ ये वाटर के वेपर्स कंडेंस हो जाते हैं, और इस तरह से फाइनली एक क्लोज एरे, एरे होती है बच्चों जिसको हम बोलते हैं रो, कतार जिसे हम कहते हैं, कि फाइन ड्रॉपलेट की एक रो इकट्ठी हो जाती है, जिसके नतीजे में हमें एक लीनियर क्लाउड मिलता है जिसे हम क्लाउड ट्रैक का नेम देते हैं। और जब आप इसको स्टीरियोस्कोपिक कैमरा के साथ जब ल्यूमिनेट करते हैं और जब आप देखते हैं तो आपको ये वाइट लाइन नजर आती है अगेंस्ट अ ब्लैक बैकग्राउंड, के पीछे का हिस्सा आपको ब्लैक होगा, और जहां जहां ये वाइट कलर के ट्रैक और जो लाइंस डिवेलप होंगी वो आपको इंडिकेट करेंगी कि यहाँ यहाँ पर जो है वो आयनाइजेशन हुई है। ठीक है, उसके बाद वो ये कहते हैं कि ये जो ट्रैक है, इस कैमरे का नाम अभी आपको बताया था कि स्टीरियोस्कोपिक कैमरा होता है, और इसकी पिक्चर को हम यूज करते हैं फास्टर्डिंग ट्रैक ओरिएंटेशन इन थ्री डायमेंशन। यानी ये ऐसा लेटेस्ट कैमरा है, स्टीरियोस्कोपिक कैमरा, जिसके जरिए जो आप इसके अंदर जो स्टडी कर रहे हैं वो तीनों डायमेंशन के हिसाब से जो है वो स्टडी कर सकते हैं।
उसके बाद है कि एक यहाँ तक तो हो गया आपका प्रोसेस कंप्लीट, अब आप जा रहे हैं कि ये प्रोसेस आपका खत्म हो, तो इस चैम्बर को आपने क्लियर करना है इन आइंस से। तो आइंस को क्लियर करने के लिए जो टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों, उसको हम बोलते हैं स्वीप फील्ड। स्वीप का मतलब होता है खत्म कर देना, तो स्वीप फील्ड अप्लाई कर दी जाती है मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू, जिसके नतीजे में पिस्टन जो है वो अपनी असली हालत में वापस आ जाता है, और अभी चैम्बर जो है वो रेडी होता है कि अगेन जो है वो अनदर बर्स्ट ऑफ रेडिएशन आके फर्दर यही सेम प्रोसेस को आकर रिपीट करे। तो उम्मीद करती हूँ ये सारी बातें आपको विल्सन क्लाउड चैम्बर की बहुत डिटेल से समझाई। अगर आज के टॉपिक के हवाले से बच्चों इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, इस टॉपिक से रेलिवेंट आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, तो मोस्ट वेलकम आप लोग बच्चों कर सकते हैं। इसके बाद ये टॉपिक तो आपका एंड होता है, लेकिन इसी के साथ आपने बच्चों एक और टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज योर फोटोग्राफिक मेथड। फोटोग्राफिक मेथड जो है वो सिंपल फोटोग्राफ के ऊपर डिपेंड करता है, ये सेम इसी तरह ही हम रेडिएशंस को डिटरमिन करते हैं बाय फोटोग्राफिक मेथड के जरिए। और इसका एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं बच्चों ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक है, ऑटो रेडियोग्राफी। और इस मेथड में आयनाइजिंग रेडिएशन आएंगी और वो आके सिर्फ सिल्वर के हेलाइड आयन से फोटोग्राफिक इमल्शन में इंटरेक्ट करेंगी, ठीक है, आयनाइजिंग रेडिएशन ही होती है हमेशा। और यहाँ पे जो आपने आयन्स कौन से इस्तेमाल करने हैं, दैट इज योर सिल्वर हेलाइड, यानी सिल्वर का साल्ट लाइक क्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड। तो जब रेडियो एक्टिव सैंपल को आप प्लेस करते हैं उन्हें फिल्म ऑफ फोटोग्राफिक इमल्शन ऑफ सिल्वर इन अ फोटोग्राफी फिल्म, द फिल्म इज डिवेलप्ड एंड व्यूड अंडर अ पावरफुल माइक्रोस्कोप। यानी बेसिक टेक्निक बच्चों वही है कि जो आपने दीगर टेक्निक्स में पढ़ा, तो यहाँ भी वही टेक्निक है कि आपने रेडियो एक्टिव सैंपल लेना है, ठीक है, और वहाँ से जो रेडिएशन एमिट होंगी उनको आपने सिल्वर हेलाइट के ऊपर से फॉल करवाना है, और उसके बाद जो उसकी फोटोग्राफ लेनी है और उसको डिवेलप करने के बाद पावरफुल माइक्रोस्कोप में उसकी स्टडी करनी है। तो उससे क्या होगा कि जो अल्फा और जो बीटा के पार्टिकल्स होते हैं वो इस फिल्म में से तो पास आउट हो जाएंगे, और दे लीव आ ट्रैक ऑफ ब्लैक पार्टिकल। अब अल्फा और बीटा पार्टिकल की क्या पहचान होगी कि जब वो इस फिल्म में से गुजरेंगे तो वो क्या करेंगे, ब्लैक पार्टिकल्स बनाएंगे, और ये पार्टिकल को फिर हम काउंट कर लेंगे, और इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि कितनी रेडिएशन उस जगह पर फॉल हुई है और उसकी इंटेंसिटी कितनी है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये बात अल्फा और बीटा के लिए तो ठीक है, बट इन केस ऑफ गैमा रेडिएशन इट विल डार्कन दी फोटोग्राफिक फिल्म यूनिफॉर्मली, कि गैमा रेडिएशन क्या करती हैं, फोटोग्राफिक फिल्म को डार्क कर देती हैं, और जितनी ब्लैकनिंग ज़्यादा आएगी वो डिपेंड करेगा कि उसका एक्सपोजर टाइम कितना है और कितना सैंपल की अमाउंट प्रेजेंट थी जिसने जो है वो डार्कनिंग कास्ट की। और ये टेक्निक जो है वो सिमिलर है बिल्कुल जैसा कि क्लाउड चैम्बर में होता है। तो क्लाउड चैम्बर की आपको अल्फा बीटा और गैमा के हवाले से फर्दर डिटेल नहीं बताई, तो वो काफी लंबा हो जाता है पॉइंट, तो आप लोग अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग जो है वो इसको इतना रखें। और ये फोटोग्राफिक मेथड को आप लोगों ने दूसरी बुक से तैयार करना है जो आपके नोट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपकी डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी एंड होती है, लेकिन आज के टॉपिक में बच्चों जो आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, अच्छा इसके अंदर जो है वो यूरेनियम की डिके सीरीज भी थी, तो वो आपकी असाइनमेंट है कि उसको आप लोगों ने इक्वेशंस हैं जो आपकी सारी की सारी पूरी डिटेल जो आपकी सनाउल्ला की बुक में दी गई है वहां से आपने यूरेनियम की डिके सीरीज खुद तैयार करनी है बाय राइटिंग इट्स होल इक्वेशंस, ठीक है। तो इसके बाद जो आज का आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, दैट इज योर डिटर्मिनेशन ऑफ द एज ऑफ डेड मैटर, दैट इज द रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड भी कहते हैं हम इसको। और ये टेक्निक सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने डेवलप की, हिज नेम इज विलियर्ड एफ लिबी, और इसको जो है इस टेक्निक की वजह से नोबल प्राइज से अवार्ड किया गया। अब इस टेक्निक का या इस का प्रिंसिपल क्या है, तो वो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों। तो आप जानते हैं कि अगर आप एयर को देखें तो एयर के अंदर क्या होता है, मेन कार्बन जो है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ये बच्चों मैं आपको इधर बोर्ड पे समझाती हूँ ताकि आपको समझ आए। तो हम क्या कहते हैं कि जब भी आप एयर की बात करते हैं तो एयर के अंदर दो तरह की चीजें जो है वो प्रेजेंट होती हैं। फर्ज किया कि ये आपकी अर्थ है और अर्थ के इर्द गिर्द जो है वो और भी गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, दैट इज योर, चलें ये आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कि ये आपकी अर्थ है, ठीक है, और अर्थ के साथ क्या है कि इर्द गिर्द जो है वो गैसेस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अब इस गैस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एग्जिस्ट करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड के बच्चों यहाँ पे दो लेवल हैं, ठीक है, एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी इन द फॉर्म ऑफ CO2-14, चलें ये मैं खुद ही लिखती हूँ हाथ से ताकि आपको,
समझ आए, CO2 है, ठीक है, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों दो तरह से रिलीज हो रही है, ठीक है। एक यहाँ भी CO2 लिखेंगे हम, और यहाँ पर भी CO2 प्रेजेंट है, बट CO2 की कंडीशन चेंज होगी। एक CO2 बच्चे आपके पास होगी इन द फॉर्म ऑफ 14, क्योंकि कार्बन के बच्चों आप जानते हैं कि कार्बन की एटॉमिक मास क्या होती है, 12, ठीक है। कार्बन की एटॉमिक मास क्या है, 12 है, वाइल दी तो 12 जो है वो क्या है, इसकी नॉर्मल है, और जो 14 है वो इसकी क्या है, नॉर्मल नहीं है। तो 12 के अंदर याद रखिएगा कि ये एलिमेंट और 14 के केस में ये एलिमेंट, इन दोनों को अगर आप चेक करें तो इन दोनों के केसेस में कंडीशंस जो है वो हमारी डिफरेंट हो जाती हैं। तो वो मैं आपको बताती हूँ कि 12 के केस में जो CO2 होता है ये नॉन रेडियो एक्टिव रहता है। ये क्या रहता है, नॉन रेडियो एक्टिव, यानी इसके अंदर से कोई रेडिएशन एमिट नहीं होती। बट इन केस ऑफ 14 CO2, इस केस में क्या होता है कि ये हमेशा रेडियो एक्टिव इन नेचर होगा। इट मीन अगर ये एलिमेंट रेडियो एक्टिव इन नेचर है 14 CO2 वाला, तो इसकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है कि एयर के अंदर बच्चों नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, ठीक है। हवा के अंदर क्या मौजूद होगी, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन जो है वो नॉर्मल फॉर्म में होगी। और जब भी इस नाइट्रोजन के साथ कॉस्मिक रेज आती हैं तो वो कॉस्मिक रेज क्या करती हैं, वहां से बच्चों प्रोड्यूस होती है दैट इज योर न्यूट्रॉन्स, और इस न्यूट्रॉन के नतीजे में, ये अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो इसके नतीजे में आगे से फर्दर प्रोडक्शन होती है किसकी, कार्बन की, यानी यहाँ पे जो है वो CO2 प्रोड्यूस होगी। इट मीन यहां से CO2 की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं कि जब भी नाइट्रोजन जो आपकी एयर के अंदर प्रेजेंट है दैट इज 7 एंड 14, यानी जो नॉर्मल है, जब कॉस्मिक रेस पड़ती है सूरज से तो उनके अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं, और जब ये इसके साथ रिएक्शन करती हैं तो फिर रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस की वजह से C14 प्रोड्यूस होता है। अब ये जो C14 है वो एयर के ऑक्सीजन से मिलेगा और 6C14 इस तरह से ये फॉर्म करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको इस पॉइंट से ये क्या बातें समझ आई कि जब भी हमारे पास ये जो आइसोटोप है ये एग्जिस्ट करता है, तो ये हमारे पास 14 CO2 प्लस जो है वो एक प्रोटॉन प्रोड्यूस करता है। तो इससे हमें ये डिटेल क्लियर होती है कि कार्बन जो है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। वन इज नोन एज C14 to C12 रेशियो, इसे हम किस तरह लिखते हैं, C14 to C12 रेशियो की फॉर्म में लिखते हैं। कि आपको ये पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने नेचर के अंदर कार्बन के दो आइसोटोप जो है वो प्रोड्यूस किए हैं, जिसमें से एक है जी C12 और दूसरा क्या है, C14। C14 रेडियो एक्टिव है, C12 नॉन रेडियो एक्टिव है। अब क्या हुआ कि हम सबसे पहले देखेंगे कि ये जो C12 है ये नेचर के अंदर अल्लाह ताला ने 99% पैदा किया, और ये बहुत ही माइनर अमाउंट में होता है। अब हम ये देखते हैं कि ये माइनर अमाउंट में कैसे प्रोड्यूस होता है। तो इसके लिए एयर की नाइट्रोजन जो कि 78% होती है, उसके साथ कॉस्मिक रेज जो सन से आ रही होती हैं उनके अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं, वो इनके साथ रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने पर कार्बन यानी CO2 के 14 वाले आइसोटोप को जनरेट करती हैं। तो अब हम टॉपिक की तरफ वापस आते हैं ताकि आपको ये सारी क्लियरेंस हो कि यहाँ पे यही डिटेल सारी लिखी हुई है। तो आप लोगों ने इस इक्वेशन को अच्छी तरह से तैयार करना है, और यहाँ देखें कि इस प्रोसेस के नतीजे में CO2 का 14 वाला रेडियो एक्टिव आइसोटोप प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ से हमें पता चला कि चूंकि प्लांट्स को जब भी फोटोसिंथेसिस करनी है तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए उन्हें कौन सी गैस रिक्वायर्ड होती है बच्चों, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कौन ले लेता है, प्लांट बाय फोटोसिंथेसिस, और फिर उन प्लांट्स को कौन ईट करते हैं, एनिमल्स, एज लॉन्ग एज द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अलाइव, यानी जब तक ये जानदार जिंदा रहते हैं तब तक ये जो अमाउंट होती है C14 by C12, इसको बच्चे मैं ऐसे लिखते हैं, यानी C14 by C12 ये कांस्टेंट रहती है। कैसे कांस्टेंट रहती है, क्योंकि देखें अगर एक तरफ से ये C14 वाले आइसोटोप प्रोड्यूस हो रहे हैं तो जब तक वो जिंदा जानदार जिंदा है तो उनकी बॉडी के अंदर वो एक्यूमुलेट है, एज ए रिजल्ट उनकी रेशियो में कोई ना कमी हो रही है ना इजाफा हो रहा है, तो ये रेशियो कांस्टेंट रहती है। लेकिन जैसे ही इन ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, यानी जब ये ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म डाइड हो जाते हैं,
तो उसके नतीजे में जो C14 है वो उनकी बॉडी में, क्योंकि आप जानते हैं कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म आफ्टर डेथ उनमें डिके का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं आइदर इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज हो या फिर प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर में हो, कार्बोहाइड्रेट्स की स्ट्रक्चर में हो, तो वो सिंपलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। तो एज ए रिजल्ट C14 जो है वो डिके होना शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से C14 जो है उसकी अमाउंट में कमी वाकया होना शुरू हो जाती है। और C14 के बारे में याद रखिएगा क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है, और ये रेडियो एक्टिव होने की वजह से एमिट करता है बीटा पार्टिकल को। और उसके बाद अगर आप देखें इसको, तो चूंकि आपको बताया कि डिके के प्रोसेस होने की वजह से जो अमाउंट है C14 की डेड बॉडीज में वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, और ये डिक्रीज अमाउंट ऑफ C14 आल्सो डिक्रीजेस दी C14 to C12 रेशियो इन द डेड ऑर्गेनिज्म। नाउ C14 to C12 रेशियो इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर डिटरमिन्ड बाय द एक्सपेरिमेंट। तो ये बात आपको समझाती हूँ अगेन कि यहाँ पे हमने क्या बात की थी बोर्ड पे कि C14 to C12 की रेशियो को हम बच्चों क्या करते हैं, डिटरमिन करते हैं। ठीक है, तो ये जो C14 to C12 है, जब तक वो ऑर्गेनिज्म जिंदा है तो ये रेशियो जितनी एयर में और जितनी उस ऑर्गेनिज्म के अंदर है वो कॉन्स्टेंट है, लेकिन जैसे ही उस ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है तो डेथ होने पर C14 की भी अमाउंट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो जैसे ही इसकी अमाउंट डिक्रीज हो जाएगी तो C14 to C12 रेशियो में भी इसका डायरेक्ट असर होगा, और इसकी भी अमाउंट क्या हो जाएगी, अगेन डिक्रीज हो जाएगी। और जैसे ही इसकी अमाउंट डिक्रीज होगी तो फिर हम यही सेम रेशियो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए डिटरमिन करेंगे, और जो डेड ऑर्गेनिज्म है उसकी डिटरमिन करेंगे। और ये डिटरमिन करने के बाद हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम कंपैरिजन जब करते हैं तो हमारे पास दोनों की क्या आ जाती हैं, वैल्यूज आ जाती हैं। और हाफ लाइफ के बारे में याद रखिएगा, C14 की हाफ लाइफ होती है 5760 ईयर्स। तो जितना टाइम गुजर चुका होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को डाई हुए हुए, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन के जरिए। ठीक है, तो इस इक्वेशन की आपने ये पहले याद करनी है कि ये इक्वेशन n=n0e-λt है। तो ये इसको अगर आप रीअरेंज करें तो यहाँ पे आपको बताओ कि C14 to C12 रेशियो इन दी डेड ऑर्गेनिज्म में उसको हम रिप्रेजेंट करें सिंपल n से। एन नॉट हमारे पास क्या है कि ये रेशियो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब वो जानदार जिंदा था, और टी जो है वो एज ऑफ ऑर्गेनिज्म को डिटरमिन करेगी, जबकि जो लैम्डा का साइन है वो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है फॉर C14 के लिए। तो जब आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं तो ये रीअरेंज करने पर इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। सेकेंड फॉर्म में आपने क्या लिया, इस इक्वेशन का एंटी लॉग लिया। एंटी लॉग लेने पे ये इक्वेशन लॉग नेचुरल एन बाय एन नॉट हो जाएगी, और एंटी लॉग लेने पे आप जानते हैं कि ये ई की पावर लॉग नेचुरल से कैंसिल आउट होके ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होती है, दैट इज माइनस लैम्डा टी। उसके बाद बच्चों आपने हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन पढ़ा था, उस इक्वेशन में आपने डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट को के से रिप्रेजेंट किया था, तो यहाँ जो है वो सिर्फ लैम्डा से इंडिकेट किया गया, और कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पे के लगाना चाहें तो के भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये फार्मूला है फॉर हाफ लाइफ के लिए कि हाफ लाइफ जो है वो 0.693 ओवर के इक्वल थी, लेकिन अगर आपने डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट फाइंड आउट करना हो तो ये इक्वेशन इसके इक्वल हो जाएगी, और लॉग नेचुरल एन ओवर एन नॉट विल बी इक्वल टू। अब हम यहाँ पे क्या करें, ये जो लैम्डा है इस लैम्डा की वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट करना है, तो लैम्डा की वैल्यू को पुट करने के लिए माइनस टी तो ऐसे ही आएगा, साथ मल्टीप्लाई आएगा, लेकिन 0.693 लिख के आपने इस टाइम के साथ इसके बाहर क्या लिखना है, C14, क्योंकि हम कार्बन 14 की रेशियो के साथ डील कर रहे हैं। जब आपने इस इक्वेशन को अगेन रीअरेंज करना है, यानी आपने ये टी मालूम करना है, क्योंकि टी यहाँ पे हमें क्या दे रहा है, उस ऑर्गेनिज्म की एज को फाइंड आउट करने में हेल्प कर रहा है। तो आप जानते हैं कि जो चीज मल्टीप्लाई करती है जब वो इक्वल के दूसरी तरफ जाए तो वहां जाके वो क्या करेगी, डिवाइड करेगी। तो चूंकि 0.693 यहाँ मल्टीप्लाई करा है, इधर जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और ये इक्वेशन डिवाइड करी थी ये क्या करेगी, मल्टीप्लाई। बाकी इक्वेशन आपके पास एज इट इज फॉर्म में आ जाएगी। उसके बाद आप यहाँ से इसको देखें अगर फर्दर, तो आपको ये पता चलेगा कि टाइम जो है 0.5 C14 ये ऐसे ही आया, उसके बाद 693 है लॉग नेचुरल एन नॉट ओवर एन कर दिया, क्योंकि ये माइनस साइन है, हम चाह रहे हैं माइनस का साइन खत्म हो जाए, तो माइनस साइन को खत्म करने के लिए हम इन दोनों चीजों को क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ रिवर्स कर देंगे। तो रिवर्स करने पर ये चीज आएगी। अब यहाँ पे एन नॉट क्या था और एन क्या था, तो आपको स्टार्ट में बताया था कि एन नॉट जो है जब वो ऑर्गेनिज्म जिंदा था तो उनकी रेशियो थी, और एन वो है जो कि डेड ऑर्गेनिज्म में उनकी रेशियो थी। तो हमने अभी बताया कि जो जिंदा जानदार होते हैं उनके लिए भी हम ये रेशियो मालूम करते हैं, और जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए भी ये रेशियो फाइंड आउट की जाती है।
और जब आपके पास ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी और आप उसको इस फार्मूला में अप्लाई करेंगे, तो इसके जरिए आपको उस ऑर्गेनिज्म की क्या मिल जाएगी, जो एज है वो हमें हासिल हो जाती है। तो इस तरह से हम कंपैरिजन मेथड के जरिए उस जानदार की एज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब आगे वही कहते हैं कि जो अमाउंट है C14 की, इट इज़ फाउंड इन द ऑर्गेनिज्म, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिविटी। यानी यहाँ पे जो है वो उसकी एक्टिविटी के, यानी जितनी वो अमाउंट प्रेजेंट है उस जानदार के अंदर उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या दूसरे लफ्जों में जो अमाउंट ऑफ C14 है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिसइंटीग्रेशन पर मिनट टाइम। ठीक है, कि अगर आप इसको देखें तो ये C14 जो है वो डिसइंटीग्रेशन पर मिनट टाइम या पर सेकंड के इक्वल होती है, और इस इक्वेशन सी को जो है वो हम इक्वेशन डी के अंदर भी इंडिकेट कर सकते हैं। यानी अमाउंट की जगह पे आप क्या लगा सकते हैं, सिंपल एक्टिविटी का। और यहाँ पे आपको एक पॉइंट आई थिंक मिसिंग हो गया हमारा, कि यहाँ जो अमाउंट है C12 की वो फ्रेश या डेड ऑर्गेनिज्म के अंदर सेम रहती है, क्योंकि आपने देखा हर स्टेप पे कि कार्बन 12 की रेशियो में कमी नहीं आती, जब चाहे वो जिंदा रहे या जानदार वो डेड हो जाए, उसकी डेथ हो जाए या जिंदा रहे वो, तो दोनों सूरतों में C12 को कुछ नहीं होता, होती वैल्यूज में किसकी चेंज है, दैट इज C14। तो इसलिए फिर हम C12 के फैक्टर को इस वैल्यू में से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, यानी वो खत्म कर देते हैं, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम क्या लगा लेते हैं, सिंपल C14, क्योंकि C14 जो है वही डिसइंटीग्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। और फाइनल आपके पास जो इक्वेशन निकलती है, दैट इज इस अमाउंट की जगह पे हम क्या वर्ड ऐड करेंगे, दैट इज योर एक्टिविटी ऑफ C14 इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ऑफ C14 इन द डेड ऑर्गेनिज्म। और अगर आपके पास इस सारी वैल्यूज अवेलेबल हो तो उस जानदार की आप क्या कर सकते हैं, एज को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों ये छोटा सा टॉपिक और था कि आप जमीन या कोई भी चट्टान है उसकी भी एज को डिटरमिन कर सकते हैं। इस हवाले से मुझे एक छोटा सा वाक्य याद आ रहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जिन कौमों पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ है उन जगहों को जाने से अवॉइड किया जाए, क्योंकि वो जो है वो अल्लाह के अजाब की जो है वो एक सूरत है। तो जब साइंटिस्ट ने बच्चों इस पॉइंट पर रिसर्च किया तो उन्हें ये पता चला कि उन जगहों पर ग्रेट अमाउंट में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है वो प्रेजेंट थे, और जो जो लोग वहाँ जाते हैं फॉर डिस्कवरी के लिए, जो साइंटिस्ट होते हैं वो तो बच्चों प्रॉपर एक लिबास पहन कर जाते हैं ताकि उनकी बॉडी पर किसी भी रेस का इफेक्ट ना हो, लेकिन जो आम लोग जो हैं या जो आम पीपल हैं जो वहाँ जाके विजिट करते हैं तो उनको जो है वो इस तरह से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उन जगहों पे अल्लाह पाक के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अवॉइड करने को हमें कहा है तो हमें उनके हुक्म को मानना चाहिए, और उसमें हमारी भलाई ही होती है। अल्लाह पाक के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी हमें बात बताते हैं उसमें हमारा ही भला होता है, लेकिन हमें ज़रा समय देर से आती है। तो इसी हवाले से ही ये पॉइंट आपको बता दी थी कि अगर आपने किसी रॉक की एज फाइंड करनी हो तो हमारे पास एक वेल नॉन मेथड है, जिस तरह आपने अभी C14 टू C12 रेशियो की रेशियो देखी, इसी तरह हम यूरेनियम 238 डिवाइडेड बाय लेड 206 इस रेशियो मेथड से भी हम मालूम कर सकते हैं। अब आपके सामने उन्होंने एक एग्जांपल रखी कि फर्स्ट करें कि हमारे पास एक चट्टान है उसके अंदर एलिमेंट पाया जाता है, दैट इज यूरेनियम 238। एनालिसिस ये बताती है उस ओर की कि इट कंटेन यूरेनियम 238 एंड लेड 206 आइसोटोप्स, के इसके अंदर ये दोनों आइसोटोप्स जो हैं वो प्रेजेंट थे, और इन दोनों आइसोटोप की प्रेजेंस उस ओर में ये इंडिकेट करती है कि दैट दी ओर कंटेन्ड ओनली यूरेनियम 238 बिफोर इट्स डिके, यानी डिके का प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले इसमें सिर्फ और सिर्फ यूरेनियम 238 का आइसोटोप पाया जाता था। आफ्टर इट्स डिके, डिके के बाद वो टाइम जो कि उस ओर या रॉक का था उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लेड 206 एंड लेड यूरेनियम 238 था। इट मीन लेड 206 उस ओर में कहाँ से आया, जब यूरेनियम 238 का डिके स्टार्ट हुआ, क्योंकि यूरेनियम डिके के बाद याद रखिएगा हमेशा लेड 206 में कन्वर्ट होती है। तो जो रिमेनिंग क्वांटिटी उस जो रह जाती है यूरेनियम 238 की जो डिके नहीं होती वो किस फॉर्म में रहती है, अनडिसइंटीग्रेटेड फॉर्म में। तो अब हम कहते हैं कि फर्ज करें कि जो वेट है यूरेनियम 238 का विच वाज प्रेजेंट इन द ओर बिफोर इट्स डिके इन टू लेड 206 में, उसको हमने इंडिकेट किया एन नॉट से, जबकि वेट ऑफ यूरेनियम 238 विच हैज रिमेंड अनडिसइंटीग्रेटेड इवन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ लेड 206 उसको हमने इंडिकेट किया एन से। तो एज ऑफ द ओर को हम किस इक्वेशन से देंगे, इन विच लैम्डा 238 एंड आर डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट एंड द हाफ लाइफ, अगेन एन इज इक्वल टू एन नॉट ई माइनस लैम्डा टी,
तो यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट जो है वो यूरेनियम 238 का हमने इस्तेमाल किया। तो जब आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे यानी एन ओवर एन नॉट कर दें, तो ये इक्वेशन हो जाती है ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा टी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर रहा है, ये इधर जाके क्या करेगा डिवाइड, और अगेन आप लॉग नेचुरल लेंगे तो ये इस फॉर्म में इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी। और फिर उसके बाद आप इसका टाइम निकालना चाहते हैं, क्योंकि टाइम से आपको क्या मिलती है उस ओर की या उस रॉक की आपको क्या मिलेगी, एज मिलेगी। तो एज मिलने पर ये इक्वेशन हमारी रीअरेंज होकर इस फॉर्म में आ जाती है। अगेन यहाँ देखिए ये माइनस का साइन है, आप ये खत्म करना चाहते हैं, तो ये लॉग इन दोनों वैल्यूज को रिवर्स कर दें, यानी एक नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे कर देंगे। और उसके बाद ये हमारे पास वो टाइम पीरियड निकल आता है जो आपको पहले लैम्डा की वैल्यू जो है वो भी निकाल के बताई कि लैम्डा की वैल्यू किसके इक्वल थी, टाइम 0.5238 ओवर 0.693 के, ठीक है। और उसके बाद ये लॉग नेचुरल एन नॉट बाय एन के इक्वल हो जाता है। तो इस तरह से आप उस ओर की या जो रॉक की एज है वो हम मालूम कर सकते हैं। तो बच्चों आपको ये वाली बात भी थोड़ी सी समझाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये चीज़ शायद समझ नहीं आई। तो बच्चों आप लोग फर्ज करें कि ये हमारे पास एक ओर है और इस ओर के अंदर दो तरह के आइसोटोप हैं, ठीक है। एक ओर में आइसोटोप है दैट इज लेड 206, और दूसरा है बच्चों यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप है, दैट इज यूरेनियम 238, ठीक है। ये दो आइसोटोप जो है वो इस ओर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि यूरेनियम का डिके का प्रोसेस जब भी स्टार्ट होता है तो उस डिके के प्रोसेस के नतीजे में फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज लेड 206। इट मीन जब उसका डिके स्टार्ट नहीं होता तो स्टार्ट होने से पहले इसके अंदर यूरेनियम 238 है, और उसकी अमाउंट को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, दैट इज एन नॉट के साथ हमने इसको रिप्रेजेंट किया। तो ये बिफोर डिके के बाद है, और आफ्टर डिके यानी जब डिके स्टार्ट हो गया तो यूरेनियम 238 डिके प्रोसेस से लेड 206 में कन्वर्ट हो गया। तो जो अनडिसइंटीग्रेटेड अमाउंट जो पीछे रह जाएगी यूरेनियम 238 की, उसको हमने किससे रिप्रेजेंट करना है, सिंपल एन से। तो ये बात आपको बतानी थी कि इनकी रेशियो के पहले कितनी थी, उसके बाद कितनी है, और उसके बाद हमने वही फार्मूला जो है वो अप्लाई किया जो C14 टू C12 की रेशियो के लिए था। और इस तरह से जो है वो हम इन ऑर्गेनिज्म की एज को जो है वो बच्चों फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बहरहाल ये टॉपिक बहुत डिटेल मांगते हैं, ये इतना आसान नहीं होता कि आप जो है वो इसको एक सेकंड में जो है वो कर लें, क्योंकि इस ये प्रोसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं। तो इस आज का टॉपिक जो है वो आपका एंड होता है, और इसी के साथ बच्चों आपका चैप्टर भी एंड हो जाता है। तो आज के टॉपिक के हवाले से बच्चों आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम आप कीजिएगा। तो लेक्चर के हवाले से अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आया आपको इस टॉपिक की सही समझ आई है या नहीं आई। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।